इस घर को अपना ही घर समझो उर्मिला बहन, ये बोल के बहुत पछता रहा हूं मैं। और आप लोग कम थे कि वो कल्पेश ने, रूपल ने, जिन्नल ने, पिंडल ने, टिंडल ने, वो सब लोग भी रुक गए इधर। एक मिनट अन्ना भाई, उनको तो आपने रुकने बोला। अरे मैं तो मेहमान नवाजी निभा रहा था, लेकिन आप लोगों में अक्कल नहीं है? तीन तीन घंटे बाथरूम पकड़ के बैठ जाती है, और ऊपर से ये महेंद्र भाव मेरा अखबार बाथरूम में लेके जाते और गीला करते हैं, और इनका कुत्रा मेरे मराठी अखबार पे टपाक टपाक, और वो कल्पेश, कल्पेश 40-40 पराठे, 40-40 पराठे, चपाक चपाक। अहो आओ, नहीं जाओ बोलो इनको, जाओ बोलो, जाओ जाओ बोलो इनको, बहुत हो गया। अभी रिश्ते के लिए हाँ बोला, तभी मुझे पता नहीं था कि इनके संस्कार इतने छिछोरे हैं। पता नहीं अभी बेटी को कैसे संस्कार। अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं ज्योत्सना बहन, बोलने दीजिए इन्हें, जो दिल में था वो बोल दिया आज इन्होंने। और कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया आज आपने अन्ना भाई। मेरी बेटी के संस्कार तक पहुंच गया। मम्मी पापा क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? वो तो यहाँ से जाने के बाद तुझे बताऊंगी बेटा, तू सामान बांध। पापा क्या हुआ है? बेटा जो भी हुआ अच्छा हुआ, इनकी असलियत का पता तो चल गया हमें, अब सोचने की नौबत आ गई है कि रिश्ता हमें। महेंद्र भाऊ ये क्या बोल रहे हैं, अभिषेक और गायत्री की सगाई हो चुकी है। हाँ लेकिन शादी नहीं हुई ना अभी तक। और अगर शादी हुई भी होती तो क्या? हाँ मेरी बेटी के संस्कार पर कभी भी जाएंगे ना तो मैं ऐसे ही लेके जाऊंगी उसे अपने घर वापस। चल बेटा चलो, महेंद्र हम चले जाते, राजकोट ही चले जाते, राजकोट नहीं रशिया, रशिया चले जाते हैं महेंद्र। नहीं नहीं रशिया नहीं, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका चले जाते। अरे मंगल पे चले जाएंगे, पहले यहाँ से तो चले हम। चल ओ, चल गए भाई, मम्मी चल चल, 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 चल बेटा। ओहो अब क्या खड़े हैं, रोकिए ना उन्हें। केशव केशव रोको इन्हें, केशव, अरे केशव। अन्ना आप क्या सपना बिपना दिख रहा था कि क्या है? और सो क्या रहा है ऐसा दुकान पे? नहीं वो ग्राहक नहीं थे ना तो आंख लग गई। गिराइक ये क्या संडास की लाइन लगी है इधर? ये हमारी गोखले बंधु सार्वजनिक शौचालय है ना। चल चल गिराइक देख, गिराइक देख। अन्ना आप और बाथरूम एक हुए, मतलब आपको नहाने मिला? अरे कहाँ मिला नहाने, अभी वो जिनल की मम्मी घुस गई है बाथरूम के अंदर। अन्ना वेंटिलेटर पे चढ़ के उनको बोला था ना, चल साला निगा निगा। अरे नहीं नहीं वो न, 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 ऐसे ऐसे थोड़ी ना देख सकते हैं। अभी उसको बाथरूम में से निकालू कैसे, क्या बोलू क्या उसको मैं? हाँ वो मेहमान है और मेहमान तो भगवान समान होता है। बस बस बस, मेहमान तो भगवान होते हैं, ये बात सुन सुन के परेशान हो गया हूँ मैं। आप जिंदगी में कभी भी ये वाक्य बोलना मत। अन्ना भाई क्या है? अरे क्या है अन्ना भाई, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपने घर में वापस शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे पता है आपके लिए मेहमान भगवान का रूप होता है। हाँ हाँ वो मालूम है मुझे ये, अभी इन्होंने बोला। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, जाके देखते ना कि रिपेयरिंग का काम कहाँ तक पहुँचा है। अरे सुबह काम में देर किस बात की, चलो बाबा चलो। इतना मस्त सपना देख रहा था ना मैं प्रभाकर दादा, लेकिन आज रात को मेरा सपना साकार करके ही रहोगे आप। महेंद्र भवन फैमिली अपने गेस्ट के साथ अपने घर से गए ही समझो। ऋतिक रानडे का बंगलो बुक हो गया, अब वक्त आ गया है आगे की चाल चलने का। निर्मिति वो कल्पेश भाई कितना खाते हैं? ये तो पैसे का इशारा है वहीनी, इसमें खाते कहाँ से आया? अरे पैसे हम बैंक के खाते में तो डालते हैं ना, ये खाते का इशारा था। निर्मिति भारती हाँ? आज सुबह तुम्हारे अन्ना को टाइम पे नाश्ता नहीं मिला तो नाराज होंगे, तो दोपहर को मस्त मराठी खाना बनाते हैं उनके पसंद का। हाँ तो मैं पूछ के आती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। मैं बताती हूँ क्या बनाना है।
तो मैं पूछ के आती हूँ कि उनको वो खाना है कि नहीं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ ना क्या बनाना है। चलो हमारे गुजराती मेहमानों को भी मजा आएगा। बराबर बाजू कहीं ढोड़ा ही ना जाए। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ले जोक सुना बेन, पहले तो आप बोलती है अपना घर समझिए और फिर आप मेहमान बना डालती है, तो थोड़ी होए हमें। और नहीं तो क्या है मोटी बेन? अरे वैसे भी ना दोपहर के खाने में ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, खाली दाल भात रोटी ने साथ। भाई 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 शार। अरे ये ओ बेन शार्क नहीं शाक शाक मींस के ये सब्जी सब्जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको जो पसंद है हम वही सब्जी बनाएंगे। जो पची क्यों आप क्यों बनाएंगे? नहीं आपने बोला ना कि ये हमारा ही घर है, तो हमारे घर में हम जो बोलेंगे वही होगा। और आप लोग अभी चलिए बाहर, हम लोग फटाफट मस्त फर्स्ट क्लास खाना बना लेते हैं। हाँ अरे अन्ना भाई तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बराबर। हेलो हेलो अरे हेलो हुआ कि नहीं, कुछ काम हुआ कि नहीं रात में? हुआ ना, हॉल की छत का काम हो गया है, बेडरूम की छत का काम बाकी है। चलो फिर छुटकारा। क्या बोले? वाह 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 मुबारक हो, आपका घर अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे आप रहने को आ सकते हो अगले दो चार दिन में? दो चार दिन में शाबाश। संभालिए ना भाई। मतलब दो चार महीनों में कैसा काम किया आपने? अभी मुझे नहाने जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक गॉड कल्पेश मामा निकले तो सही, मैं ही बाल्टी भर देती हूँ अंकल के लिए, बेचारे सुबह से पानी। अरे बाप रे सारा पानी खत्म। मम्मी शांत शांत रहो। क्या शांत रहूं मैं? दो दो ड्रम, दो दो ड्रम खाली कर दिए इसके हिप्पोपोटेमस ने। जो बची होश है वो बेचारे अन्ना भाई सुबह से नहाने के लिए अच्छे मछली की तरह तड़प रहे हैं। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजू की कुएं से बाल्टी भर के पानी लेके आता हूँ। अरे ना ना बेटा, मैं ही मिनरल वाटर का बंदोबस्त करती हूँ उनके लिए। नहीं नहीं सोडा सोडा सोडा, नहीं नहीं सोडा नहीं, शरबत चैंपियन फिक्स। चैंपियन क्या? मिनरल वाटर अच्छा आइडिया है। अभिषेक चलो लेकर आते हैं। मेरे साथ रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो ना तुम? तो तुम भी कोई बहाना ढूंढ लो। ठीक है आज रात सबके सो जाने के बाद हम दोनों चुपके से मिलेंगे। प्रॉमिस? मैं तो कहता हूँ रात का इंतजार क्यों, अभी चलते हैं ना। एक नंबर की बुद्धू हो तुम, भूल गए अंकल कब से नहाने के पानी की राह देख रहे हैं। चलो ओके ओके ओके, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना। नहीं भूलूंगी पापा, अभी चलो। खाना नाना गाना, ये गुजराती लोग बाथरूम में घुस के गाना क्यों गाते हैं? पता है क्या कौन? वो जीनल की मम्मी के पति, वो जीनेश के पापा। नहीं नहीं जीनल की मम्मी के पति मिनेश के पापा। अरे वो जूते पॉलिश करने का ब्रश अपने थोबड़े पे लगा के घूमता है। अरे वो टकलू नहीं, वो चप 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 खाता है, घपा घप पराठे खाता है। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वो कल्पेश, सारा पानी खलास कर डाला। तुमने रोका क्यों नहीं उसको? मैं कैसे रोकती? अरे खड़े रहना चाहिए ना जब भी वो नहा रहा है। क्या तुम अगर खड़ी रहती ना तो वो नहाता ही नहीं और पानी बच जाता और मैं नहा पाता। अभी मेरे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं ना, पानी की व्यवस्था व्यवस्था नहीं पूर्ण अव्यवस्था का वातावरण हो गया इस घर में अन्ना। वो गायत्री काकी और अभिषेक काका पानी लेने के बहाने एक साथ घूमने निकले। आई शब्बत सुना सुना। हाँ मैंने बोला था कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है और फिर भी तुम्हारा वो राम
गायत्री को लेके घूमने गया है। आहो अभी इनका आहो आहो चालू हो गया। अभी अभी जाके अभिषेक को ठीक करता हूँ मैं। हाँ ना हाँ। मेरे नेत्रों ने तुमने सचमुच उन दोनों को साथ में जाते हुए देखा? हाँ ना, मेरे चक्षुओं ने, मेरे नेत्र। अभी तक उस लड़की ने मेरा लाड़ प्यार देखा है, अभी मेरा गुस्सा भी देखेगी वो, है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ। भाकरवड़ी नहीं, बाकरवड़ी बोलिए। बाकरवड़ी। बकरावड़ी। बकरावड़ी नहीं, बाकरवड़ी। बकरावड़ी। बाकरवड़ी। बाकरवड़ी। बाकरवड़ी बोलिए। अरे बहन जी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बीवी का बाप और बाप की बीवी, उन दोनों में कितना फर्क है, उतना ही फर्क है भाकरवड़ी और बाकरवड़ी में। 20 बार बोलो बाकरवड़ी बाकरवड़ी बाकरवड़ी, एक भी बार अगर गलत बोला तो गोखले बंदूक की बाकरवड़ी नहीं मिलेगी तुझे। नहीं चाहिए, रखो। अरे ये तो चले गए। अच्छा भरत, तुम इधर कैसे? वो अंकल प्रभाकर भैया, केशव भैया पापा और अभिषेक के साथ आपके लिए पानी लाने गए, तो मैंने सोचा कि तब तक दुकान मैं संभाल लेती हूँ। कोई गलती तो नहीं की ना मैंने? अरे नहीं नहीं, गलती तुमने नहीं, किसी और ने की है। अन्ना ये झूठ बोल रही है। सामने खड़ी है, दिख रही है, और झूठ कैसे बोलेगी? शाबाश लीजिए अन्ना भाई, आपके नहाने के पानी का प्रबंध हो गया। बाप रे, नहाने के लिए इतना महंगा पानी लाने की क्या आवश्यकता है महेंद्र भाऊ? आहो अन्ना भाई, जीवन तो है। अरे ये तो गाना हो गया। जीवन तो है नहाने का मजा, छपाछप 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 शुरू हो गए। जीवन तो है भागने का मजा, धपा धप धपा धप धपा धप। तो नहाना भागना एक हुए, शबाना साधना एक हुए। कहाँ से लाता है यार तू ये सवा? ए बिंडोक, तू क्या है? चलो शबाना साधना चलो एक हो गए क्योंकि दोनों अभिनेत्री के नाम है। हाँ। लेकिन नहाना भागना एक कैसे हुए? अन्ना भाई, आपके नहाने के पानी के लिए हमें भागना पड़ा कि नहीं, तो नहाना भागना एक हुआ कि नहीं? अन्ना राहुल अन्ना, अब नहीं पहुंच पाओगे इनको। वैसे अन्ना आप यहाँ, वो भी बंदर के साथ? वो मैंने आप दोनों को, अन्ना मैं सच बोल रहा हूँ। पापा अब एक भी शब्द बोलेगा तो तेरे पापा के 20 गाने सुनने पड़ेंगे तुझे। बात करता है। अरे ये तो मेरा राम है, राम, और ये मेरी सीता, और वो सीता के पापा जनक राजा, और ये प्रभाकर केशव मेरे चंड मुंड है। धन्यवाद अन्ना। धन्यवाद के धन्यवाद, चंड और मुंड दोनों राक्षस थे। अरे एक बज रहा है, वैसे भी दुकान बंद करने का समय हो गया है। चलो चलो, मैं ना घर पे जाके पहले तो मस्त पैके नहाऊंगा और फिर सब लोग साथ में मिलके खाना खाने बैठेंगे, अप्रतिम मराठी भोजन। चल चल। अब हम हमारी प्रार्थना भी कर लेते है ना जिनल्ली मम्मी? हाँ मिनिस्टर पापा। अन्ना साहब, 2 मिनट अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अन्ना भाई नहीं नहीं, डेंजर है अन्ना भाई, डेंजर डेंजर। अरे बेचारा प्रार्थना करना चाह रहा है, इसमें क्या डेंजर बिंजर, प्रार्थना तो अवश्य करनी चाहिए। कीजिए कीजिए कल्पेश बिल्पेश भाई। चा
कल्पेश, अब मेरी प्रार्थना करते हो। मेरे गुरुजी है ना, वो कहते हैं उन्होंने जो मंत्र बताया है ना, उसके उच्चारण से हम जो अन्न खाते हैं ना, वो सीधे सीधा हमारे अंतरात्मा तक पहुंचता है। हेलो, सब हाथ जोड़ के ऐसे आंखें बंद कीजिए। ये प्रार्थना है? पिंजरे में डॉल्फिन मछली बचने के लिए चिल्ला रही हो, ऐसा लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि डेंजर है, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं, अब भुगतो। चलो, ये इकार था, अब उकार करेंगे। अरे कुत्रे बितरे आ जाएंगे इधर। महेंद्र भाव, ये पूरी बारह खड़ी बोलेगी क्या? तानी? आहो, उसको बोलो आहो। और अभी तुम सब खाओ। रुपल रुपल, अभी मन में आ, मन में। हाँ रुपल, क्योंकि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जीवन तो है लगी हुई भूख, खाना दे खाना दे खाना दे। वाह, जीवन तो है अव्वल गायक, मन्ना दे मन्ना दे मन्ना दे। वाह वाह वाह, तो गीतकार भूख एक हुए, संगीतकार कुक एक हुए, हुए एक हुए, सब लोग एक हो गए। चलो अभी खाना खा लो फटाफट, आप खाइए अभी, आपके मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी हमारा मराठी खाना खाकर। अरे अन्ना भाई, खाना मराठी नहीं है, मस्त गुजराती वाला है। वो उर्मिला वहिनी और रूपल ने बहुत जिद की कि खाना वही बनाएंगी। देखिए क्या क्या बनाया है, फंसी नु साग, गुआर नु साग, कोबी नु साग, रिंगण नु साग, उसके साथ मिठो भात, फुलेली दड़ा जेवी रोटली, गोल को कंदी दाल, ऐने मस्त मिठो मिठो सीरो, खाइए खाइए मजा आ जाएगा। अभी मैंने खाली रोटी खाई, वो भी मीठी। कितना मीठा खाना खाते हैं ये गुजराती लोग। खाना भाई, कैसा लगा खाना? मस्त है मस्त है। नहीं, गुड़ और शक्कर सब में डाले है। हाँ मोटा भाई, अगर आपको कम लगे ना गुड़, तो ये देखिए काट के रखा है अलग से, लीजिए लीजिए तुम तुम्हारे। अच्छा नहीं, मुझे कम नहीं पड़ रहा है, जोसना मुझसे नहीं खाया जा रहा है ये इतना मीठा। आप चिंता मत कीजिए, शाम को ना मैं आपको मस्त चटपटा मराठी खाना खिलाऊंगी। हाँ अभी अन्न का अपमान मत कीजिए ना, खा लीजिए। अन्न भाई कैसा लग रहा है खाना? सीधा आत्मा के अंदर घुस गया। और अभी मेरी आवाज नहीं, मेरा दिल बोल रहा है। रिंगण नु साग, गुवार नु साग, कोबी नु साग, ऐसा बोल बोल के आधा फ्रिज खाली कर दिया। और वो बकासुर देखा ऐसे हंस रहा था खाते खाते। खाते खाते ऐसे कोई हंसता है? काका, हाँ वो खबर पक्की है? हाँ हाँ पक्की है, आज शाम का खाना भी वो गुजराती लोग बनाने वाले। वैसे अन्ना ने बोल दिया आई को कि उन गुजरातियों को किचन में घुसने मत देना, लेकिन मुझे लगता नहीं वो लोग मानेंगे। अरे माना तो मयूरेश भी नहीं था। कौन मयूरेश? भारती का मौसेरा भाई, पुलिस ने उल्टा लटका के इतना मारा फिर भी माना नहीं कि ये चप्पल की चोरी उसने की है। जेल में भी 4 साल तक यही बोलता रहा कि मेरे चप्पल भी ऐसे ही थे। बड़ा चप्पल आने जरा।
अब मेरे सवाल का जवाब दो। वो अभिषेक का, वो अभिषेक काका और गायत्री काकी, आज रात वो ऋतिक रानडे के घर मिलने वाली बात पक्की है ना? एकदम पक्की है बड़ा। हाँ, लेकिन अन्ना को पता नहीं चलनी चाहिए। और कुछ नहीं, चलो दुकान में। ऐसे अन्ना तो आने से रहे, वो तो आज घर पे ही रहेंगे छोटा भाऊ के साथ। हाँ वो तो। चला उचला। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं पापा, मुझे नजर रखनी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.